हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए एक नई यूनिक सी डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं फ्रेंड। बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है और बहुत इजी भी है। और इस डिज़ाइन के लिए देखिए, मैंने ये कार्डिगन बनाया हुआ है और इसमें पॉकेट भी लगाया हुआ है। बहुत ही प्यारा ये बनकर आता है फ्रेंड, और ये पहनने पर और ही अच्छा लुक आता है। जब ये ऐसे स्ट्रेचेबल होता है काफ़ी, क्योंकि इसमें यहाँ पर जाली पड़ी हुई है। ये डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। देखिए फ्रेंड, इसको मैंने यहाँ पे 58 फंदे लिए हैं इसको बनाने के लिए। 9 के मल्टीपल ये डिज़ाइन बनती जाएगी। और ये 3 शेडेड में मैंने ऊल लिया हुआ है। आप चाहें तो इसको सिंगल कलर के जो ऊल आते हैं उसका भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये 3 शेडेड ऊल आता है, ईज़िली आपको मार्केट में मिल जाएगा। और इस पे इस कलर में ऊन जो होते हैं शेडेड में, ये सब डिज़ाइन बहुत प्यारी ही बनकर आती है फ्रेंड। ये मैंने देखिए बॉर्डर भी बनाया है डिज़ाइन का, यूनिक सा। अब देखिए इसको ये कैसे बनता है फ्रेंड, मैं शुरू करती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने सिंपल से 8 फंदे का यानी 8 फंदे की पट्टी रखी है बॉर्डर की। यहाँ पर बटन पट्टे की अलग से नहीं जोड़ना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर रखी हुई है। अब देखिए, मैंने ये 8 फंदे की बॉर्डर बुन लेनी है, एक उल्टी और एक सीधे की। उसके बाद हमने यहाँ पे एक जाली बनाना है फ्रेंड। जब भी आप ये डिज़ाइन बनाए तो पहले बॉर्डर बना ले। बॉर्डर बनाने के बाद आपने 4 सलाई यानी 2 उल्टे 2 सीधे की सिंपल बुन लें। यहाँ पे जैसे मैंने देखिए निट किया हुआ है, उसके बाद ये डिज़ाइन मैंने डाली हुई है। ये बहुत ही प्यारी डिज़ाइन बन के आती है फ्रेंड। अब देखिए, हमने यहाँ पर एक 8 फंदे की तो पट्टी है हमारी, ये वो हमने निट कर लिया बॉर्डर की। उसके बाद यहाँ पे हमने एक जाली बनाया हुआ है। अब देखिए हमने क्या करना है फ्रेंड, 9 फंदे हमने एक यहाँ पे एक ही जाली बनेगी, बाकी में 2-2 जालियाँ बनेगी। अब आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है फ्रेंड, बट आप एक बार समझ जाएंगे तो ज़रूर आप बना लेंगे। उसके बाद आपने ऊन को आगे करना है और 9 फंदे हमने 1 फंदे में 2 राउंड करके 9 फंदे हमने निट करना है। 1 फंदे में हमने 2-2 बार राउंड करना है और 9 फंदे, और ऊन को आगे करके यानी उल्टा उल्टा ही निट करना है हमने 9 बार। 1 फंदे में 2-2 बार राउंड करना है हमने, ये इतना केयर करिए आप फ्रेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। देखिए ये 9 फंदे में हमने 2-2 राउंड किया है और सीधे साइड से उल्टा उल्टा हमने राउंड राउंड करना है, और उल्टा हम निट भी कर रहे हैं ताकि ये हमारा गार्टर स्टिच बनकर आए। और ये देखिए छोटा छोटा फफ जैसे ये बन के आता है, बहुत ही प्यारा लगता है फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए हमारा जाली वाला आ गया है। अब हमने ऊन पीछे करना है, एक तो हमने ये सिंगल ऐसे ही निट कर लेना है सीधा। उसके बाद फ्रेंड मैंने ऊन को आगे करना है, और ये जाली है हमारी, देखिए ये जाली पे हमने ये जाली बन गया ऊन आगे करके, 2 जालियाँ बनेंगी। फिर ऊन आगे किया हमने, फिर यहाँ पे 1 जाली बन गई। फिर आपने क्या करना है, ऊन आगे करके और 9 फंदे को हमने देखिए ऐसे निट करना है, 1 फंदे में 2-2 राउंड करके। एक बार आपको बस केयर करना होगा फ्रेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 9 फंदे हमने यहाँ पे निट कर लिए हैं। 1 फंदे में हमने 2-2 बार राउंड किया है यानी घुमा घुमा के हमने बनाना है ये। उसके बाद ऊन को पीछे करना है हमने, फिर हमने 1 फंदा सिंपल बिनना है, फिर ऊन को आगे करके यहाँ पे देखिए आप लोग को दिख रहा होगा जाली बनी हुई है, जाली हम बनाएंगे, फिर ऊन आगे करेंगे, फिर 1 जाली 2 जाली बनेगी। ऊन आगे करके फिर आपने 1 फंदे को 2 बार लपेटना है, ऐसे हमने 9 बार करना है यानी 9 फंदे को हमने ऐसे निट करना है। इसको फ्रेंड आप बेबी फ्रॉक, कार्डिगन या सिंपल स्वेटर ही बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा बनता है ये। पहनने पे बहुत प्यारा लगता है फ्रेंड, जब इसकी पूरी जाली खींच के आती है। 2, 4, 6, 7,
एट एंड नाइन, ये देखिए यहाँ पे भी हमारा नाइन बन गया। अब क्या करना है, ऊन को पीछे करके एक हमने ये सिंगल सिंपल निट कर लेना है। उसके बाद ये देखिए जाली के ऊपर हमने जाली बना देनी है दो, फिर ऊन को आगे किया, फिर हमने वही करना है एक फंदे में दो दो राउंड करना है और उल्टा उल्टा ही बिनना है सीधे की साइड भी। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, फिर फंदे को पीछे करके देखिए एक फंदे हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सिंपल ही निट करना है सीधा। ऊन आगे किया, जाली के ऊपर देखिए जाली, फिर एक जाली, फिर ऊन आगे करके हमने एक में दो बार राउंड करके नौ फंदे ऐसे निट करना है। बहुत इजी है फ्रेंड, थोड़ी बस कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार आपने क्लियर करना है। अगर आप फ्रेंड बना रहे हैं तो पहले आप छोटा सा इसका बनाइए, मैं ये नहीं कहती हूँ फ्रेंड, प्लीज़ आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई डिज़ाइन बनाएं तो पहले आप छोटे नमूना बनाएं, ये नहीं कि आपने स्टार्ट से ही कर दिया फिर आपका पूरा पैटर्न गलत हो जाएगा। आप पहले 18 फंदे का ही दो ही डिज़ाइन बनाइए आप, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ताकि हमारा पूरा ना गलत हो और छोटे में ही आपने पहले सीखना होता है। ये देखिए नाइन फंदे हमारे यहाँ पे हो गए, एक फंदा हमने बचा है ये, तो हमने क्या करना है इसको यहाँ पे जाली बना देनी है, यानी एक फंदा यहाँ पे ये आगे ही रहेगा और एक और। फ्रेंड एक दो फंदे अगर हमारे यहाँ पे बढ़ रहे हैं घट रहे हैं तो उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब हमारा ये डिज़ाइन बनेगा तो ये कवर हो जाता है फंदा। अब बैक साइड हमने देखिए क्या करना है, बैक साइड हमने सारे फंदे को उल्टा उल्टा ही निट करना है। ये देखिए जाली वाला फंदा भी निट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड जो हमने ये नौ फंदे बनाए हुए हैं, देखिए जो हमारा ये नौ फंदा बना है उसको हमने खोल लेना है। ये देखिए ऐसे खींच के हमने सारे फंदे को खोल लेना है, बैक साइड से हमने यही करना है फ्रेंड। ये देखिए नौ फंदे हमारे सारे खुल गए हैं, दो दो चार छः सात आठ और एक नौ। अब हमने क्या करना है, सारे फंदे को हमने इस सिलाई पे ले लेनी है। देखिए इस पे हमने अब बहुत केयरफुली बनाए फ्रेंड, ये देखिए ये देखिए हमने सारे फंदे को यहाँ पे ले लिया इस वाली सिलाई में। अब हमने क्या करना है, इसको उल्टा निट कर देना है। नौ फंदे का यानी एक फंदा हमने ये करना है, देखिए हम यहाँ पे नौ फंदे का एक फंदा कर दिए यानी उल्टा ये निट कर दिए और इसको टाइटली खींच देंगे धागे को। अब देखिए ये हमारा पफ बनना स्टार्ट हो गया। फिर हमने क्या करना है फ्रेंड, ये देखिए दो तीन चार एक पाँच, इतना याद रखें फ्रेंड जब हमारा ये डिज़ाइन बनेगा नौ का एक होगा उसके बीच की गैपिंग यहाँ पे हमारे पांच फंदे आएंगे। अगर हमारा पांच फंदे से कम होगा तो आप समझ लीजिए फ्रेंड आपकी डिज़ाइन गलत जा रही है। ये देखिए नौ का एक करने के बाद हमने यहाँ पे फाइव फंदे लिए, बीच की हमारी पांच फंदे होंगे क्योंकि दो दो तो जाली बन रही है, दो फंदे वैसे बढ़ गए और दो सिंपल प्लस एक और, तो ये तीन तीन दो पांच हो गए। तो हमारी बीच की गैपिंग के जो फंदे हैं पांच आने चाहिए। फिर हमने वही प्रोसेस करना है, नौ फंदे हैं जो सारे हमने ऐसे खोल लेने हैं। बहुत देखिए बहुत प्यारा है और बहुत ईजी भी। फिर हमने सारे फंदे को इस पे ले लेना है फ्रेंड, एक भी फंदा हमारा छूटने ना पाए। आप पहली बार बना रहे हैं तो ज़रूर एकदम केयरफुली बनाएं। अब देखिए सारे फंदे को हमने एक ही बार में निट कर देना है।
ये देखिए 9 फंदे का हमने एक फंदा बना देना है। ये देखिए 9 का हमने एक कर दिया। फिर हमने बीच के फंदे निट कर लेने, बीच में हमारे देखिए 5 फंदे आने चाहिए। ये देखिए 5 फंदे फिर आ गए और यहाँ पे हमारा ये 9 डिजाइन वाले आ गए हैं, जिसको हमने ऐसे खोल के बना लेने हैं। सॉरी, यहाँ पे देखिए नौ फंदे हमने, ये देखिए इस पे सारे फंदे हमने ले लेने हैं। फिर हमने ये 9 का एक कर देना है। ये देखिए फ्रेंड 9 फंदे का हमने फिर यहाँ पे एक कर देना है। ये देखिए एक भी फंदे हमारे यहाँ पे छूटने ना पाए, नहीं तो हमारी सारी डिजाइन ख़राब हो जाएंगे। फिर देखिए हमारे ये बीच के 5 फंदे नीट हो जाएंगे सिंपल सिंपल। यहाँ पे 2 फंदे हमारे, ये देखिए फिर उसके बाद हमने 9 फंदे खोल लेने हैं। ये देखिए 9 फंदे हमने खोल लिए। फिर हमने सारे फंदे को इस सिलाई पे लाना है और ये 9 का एक कर देना है। और फिर बीच के ऐसे ही प्रोसेस हमने ये करना है और ये एक रो कंप्लीट कर लेनी है फ्रेंड। ये देखिए हम राइट साइड आ गए हैं बैक साइड का कंप्लीट करके। अब हमने देखिए एक फंदे तो हमने ऐसे स्लिप कर लेना है और ये बॉर्डर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 8 फंदे के हमने यहाँ पे बॉर्डर बनानी है पट्टी के लिए, बटन पट्टी के लिए। अब देखिए एक यहाँ पे जाली बनी है तो हमने एक यहाँ पे जाली बना देना है। उसके बाद एक फंदा हमने ऐसे बुन लेना है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड, जो हमने यहाँ पे 9 का एक किया था, यहाँ पीछे से ले जाके हमने एक फंदे हमने यहाँ पे निट करना है, उठाना है। ये देखिए जो हमने 9 का एक किया था वही हम पीछे से यहाँ पर आपको दिखेगा, और आपने ऐसे ही इस पे ला के फिर एक फंदा हमने ये निट कर देना है। ये देखिए एक फंदा हमारा यानी यहाँ पे बढ़ जाएगा। फिर इसको सिंपल एक निट कर देंगे। फिर हम जाली से पहले देखिए एक फंदा, जब जाली वाला आएगा फ्रेंड तो हमने यहीं से पीछे से कहीं से ऐसे उठा के देखिए पीछे से निट कर लेना है। फिर सारे फंदे को हम ऐसे निट करेंगे। एक जाली से पहले हमने एक फंदा उठा के पीछे से निट करना है, एक बढ़ाना है। उसके बाद ये जो 9 का एक होता है, ये देखिए 9 का जो एक हो गया फ्रेंड, यहाँ पे हम पहुँच गए। तो हमने ये पीछे से, ये देखिए जो हमारा 9 का एक हुआ है, तो हमने ये पीछे से कहीं से देखिए, ये जो हमने पीछे से आपको दिख रहा होगा फ्रेंड, जो पीछे से हमने एक फंदे निट किए, आपने वहीं से उठा के फिर इसको आगे ले आके निट कर देना है। ये देखिए यानी हमारा एक फंदा यहाँ पे भी बढ़ गया और
फिर अब देखिए, अब जाली से पहले हमने एक फंदे यहाँ से पीछे से ला के, कोई भी फंदा आप जाली के पहले फंद ले लें फ्रेंड, और उसको यहाँ पे बना लें। बस फ्रेंड, इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना है, ये हमारी डिज़ाइन ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमने पीछे से एक फंदे लेने हैं, ये देखिए। देखिए फ्रेंड, आपने ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद देखिए, इतना केयर करिएगा फ्रेंड, ये जाली के ऊपर हमेशा आपकी जाली ही बनती जाएगी। और ये वाले फंदे पे पहले एक फंदा हमने एक्स्ट्रा करना है, और जाली के पहले एक फंदा पीछे से एक्स्ट्रा लेना है, बस और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद फ्रेंड, हमने ये बैक साइड से सीधा उल्टा उल्टा निट करना है, फिर फ्रंट साइड से हम एक सिलाई, मतलब हमारी चार सिलाई टोटल बनेंगे, दो उल्टे की और दो सीधे की। उसके बाद फिर हमारी डिज़ाइन ये स्टार्ट होगी। फ्रेंड, अगर आपको कहीं समझना है तो आप ज़रूर प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ये देखिए, बहुत ही अच्छा ये बन के आएगा फ्रेंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।